जितने क्वेश्चन आपके पास दे दिया है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, देखिए यहां पर किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। जैसे छोटा नंबर है 10 है, 12 है, 20 है, तो चलिए छोटा नंबर आप फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई लार्जेस्ट नंबर दे दिया, जैसे आपके पास दे दिया 5222, अब उसका फैक्टर फाइंड करना है, तो किस मेथड से हम लोग फाइंड करें, उसके लिए क्या जनरल रूल होगा, ठीक है ना, उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितना देखिए आप नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करता है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आप खुद बहुत समझ में आ रहे हैं, ठीक है। जितना पहले पहले एक एग्जांपल देते हैं, पहले आप एग्जांपल समझिए हम क्या बोल रहे हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक नंबर जितना कोई भी एक कंपोजिट नंबर आप टेकन कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए हम कोई छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमारा 24, ठीक है, एक कोई नंबर ले चुके हैं 24, ठीक है। अब बताइए तो जेंटलमैन 24 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर्स मींस क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर है तो जाहिर है कि आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2, 2 से लेंगे कितना हो जाएगा 6, आप 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा जजमेंट 3। देखते रहिए बोर्ड पर, आप 24 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 24 को कि सर 2 × 2 × 2 × 3। जनरल यहां देखिए इस बात को सुलझाने के लिए, इस थ्योरम को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल टेकन करेंगे, कोई भी एक 24 नंबर लेते हैं, ठीक है ना, इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हम लोग, अब देखते रहिए स्टेटमेंट 2 को कितना टाइम्स लिख सकते हैं, बताइए तो कितना बार लिखें 1 2 और 3, जैसे 3 टाइम्स लिखें तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 3, और इनटू कितना है जजमेंट 3 का पावर 1 रहेगा, ठीक है। देखते रहिए जजमेंट, देखिए यहां पर क्या फार्मूला बनाया जजमेंट, यहां सुनिए, यहां पर देखिए जो बुलाया क्वेश्चन से, टू गेट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, जजमेंट किसी भी नंबर का फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस नंबर को कैपिटल एन टेकन करेंगे, ये जो नंबर है आपके पास 24 इसको हम लोग क्या टेकन करेंगे कैपिटल एन, तो मैं देखते रहिए इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, एक्सप्रेस एन उसको एस में कन्वर्ट करेंगे, एन इक्वल टू जेड मनुष्य का जो ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, आप देख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जेड, जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे जेड, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या बोले यहां पर सर एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या होगा जेड, एन इक्वल टू पी प्लस वन, जैसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या लिखा जाए, बताइए तो सर टोटल जेंटलमैन नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप देखते रहिए अच्छे से, देखिए जेंटलमैन क्या बोला रूल समझिए, पी प्लस वन सबसे फर्स्ट वर्ड बोला जब आप देख सकते हैं कि जो भी इन कोई नंबर होगा नेचुरल नंबर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लें, देखिए ए बी सी डी ये सारा जजमेंट बेस है, ए बी सी डी जो भी है वो सारा क्या है बेस है, और इसका पावर है पी क्यू आर एस का इसका, तो देखिए यहां पर सुनिए पूरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने जजमेंट, जो पावर है पी, पी क्या है आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए पी क्या है पावर है ना, तो पावर में बोला हुआ ऐड कर दीजिए, फिर क्यू पावर है तो क्यू में भी ऐड कर दीजिए, अगर आर पावर है सब में वन ऐड करते हुए और सबको प्रोडक्ट में लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा समझिए यहां देखिए जजमेंट से पावर कितना है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे सर 3 + 1, फिर जजमेंट यहां देखिए पावर में कितना है 1 नहीं, ये पावर में कितना है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1, और देख सकते हैं आप देखिए सारे को प्रोडक्ट में हम लिख चुके हैं, अब क्या बोलेंगे 3 + 1 4 × 2 कितना होगा जजमेंट 8, जेंटलमैन इसका मीनिंग है क्लियर होगा कि सर 24 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 24 का फैक्टर्स कितना होगा 8 फैक्टर होगा, अब देखिए कैसे होगा सो बताइए यहां पर, अब बोलेंगे कि देखिए आप जेंटलमैन सिंस जेंटलमैन 24 का फैक्टर्स बताइए, 24 का फैक्टर्स क्या क्या होगा बताइए, तो फैक्टर्स मींस क्या 24 किस किस से डिविजन होगा बताइए, तो आप बोलेंगे सर 1 से डिविजन होगा, 1 के मल्टीपल में 24 आता है, 2 से भी डिविजन होगा, 3 से भी डिविजन होगा जेंटलमैन देखते रहिए, 4 से भी डिविजन होगा, फिर आप क्या बोलेंगे 6 से भी डिविजन होगा, फिर 8 से भी डिविजन होगा, 12 के मल्टीपल में आता 12 से डिविजन होगा और 24 से डिविजन होगा, देखो जेंटलमैन 8 फैक्टर्स आए कि नहीं आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जेंटलमैन यहां देखिए ये छोटा नंबर था तब हम ऐसे उंगली पर काउंट करके फाइंड कर चुके हैं, लेकिन बड़ा नंबर आएगा 10,000 रहेगा 20,000 रहेगा तब तो इसको हम लोग इस मेथड से नहीं फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे जनरल फार्मूला, ठीक है ना, वही जनरल फार्मूला ये बात, इसको पहले फटाक्ष नोट कर लीजिए, जेंटलमैन सुन लीजिए, कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास दिया रहेगा उसको एन टेकन करेंगे, उसका जितना पॉसिबल प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो कर लेंगे, टोटल नंबर फैक्टर्स करने के लिए फाइंड होता है जेंटलमैन, देखिए जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, पावर 3 था 3 में 1 ऐड कर चुके हैं, पावर 1 है 1 में ऐड चुके हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका कितना गया
8 फैक्टर्स, आप देख सकते हैं कितना आया 8 फैक्टर्स। अब फिर हम नॉर्मली भी चेक कर रही है कि बोला 24 का 8 फैक्टर्स होगा, तो हम देखें चेक करके वहां कहीं कि 24 का 8 फैक्टर्स होना है कि नहीं हो रहा है। तो 24 1 2 3 4 5 6 7 और 24 का 8 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये थ्योरम बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। आप इसको फटाक से नोट कर सकते हैं, एक दो और एग्जांपल दे देंगे, फटाक से नोट कर लिया अच्छे से, इस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। आइए एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए चलिए ऐसे दूसरा नंबर कोई चेक इन कर लेते हैं, बताइए जैसे सपोज दैट मान ली कोई डिफरेंट नंबर बोलिए, जैसे 80 हम टेक इन कर लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू कोई भी नंबर हम टेक इन कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए 80 टेक इन कर लेते हैं, 80 का कितना फैक्टर होगा, ठीक है जजमेंट, तो क्या बताएं सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे आप, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे जजमेंट, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन, आप समझिए 80 में आप किसे लगाने वाले हैं, 2 से कितना रहेगा 40, फिर आप टेक इन करेंगे 2 से तो कितना होगा जजमेंट 20, 2 से लगाएंगे तो कितना 10 और 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, देखते रहिए जजमेंट, 80 को आप क्या बोलेंगे कि सर 2 into 2 into देखिए जजमेंट 2 कितना टाइप्स है 4 टाइम्स ना 2 into 2 into 5, मतलब जजमेंट 2 को 1 2 3 4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या लिखेंगे 2 to the power 4 into 5 to the power, तो देखते रहिए अच्छे से, ठीक है, फिर क्या सीखा आपको जजमेंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, फैक्टर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, डिवाइजर्स बोलिए फैक्टर बोलिए, कि सर जो भी p पावर यहाँ देखिए जिसमें जो p पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, q पावर भी 1 ऐड कर देंगे, अगर r होगा तो r पावर भी 1 ऐड कर देंगे, s होगा तो s पावर होगा, मींस जितना भी पावर है p q r s सब में 1 ऐड करके और सारे को प्रोडक्ट में हम लोग नोट कर देंगे, तीसरा बताइए जेंटलमैन क्या रहेगा, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला बताइए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ जेंटलमैन क्या रहेगा टोटल डिवाइजर्स, टोटल डिवाइजर्स के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर देखिए पावर कितना है 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1, फिर आप देख सकते हैं यहां पावर कितना है 1, 1 में ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1, जेंटलमैन बोलिए तो क्या रहेगा 4 प्लस 1 5 और इनटू कितना हो जाएगा 2, 5 टू जा जेंटलमैन 5 टू जा कितना हो गया 10, देखिए हम फार्मूला के यूज से पता कर चुके हैं कि सर 80 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, सेवन से नहीं आएगा, एट से आ जाएगा, नाइन से नहीं होगा, टेन से आ जाएगा, अब किसे आएगा जजमेंट 11, 12, 13, 14, 15 किसी से नहीं आएगा, 65 जाए 16 से आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर 20 से आएगा, 20 बार चेक कीजिए और किसी से आएगा 21, 22, 23 नहीं, किसी से नहीं, 30 से भी नहीं, अब एक ही बार आएगा 40 से, और लास्ट में कितना हो गया 80, चेक करके देखें जजमेंट लास्ट ऑफ फैक्टर हुआ कि कुछ रेस्ट भी रह गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जेंटलमैन आप देख सकते हैं अब फार्मूला के मेथड से फाइंड किए तो भी 10 फैक्टर्स हो गए इसका, ऐसे नॉर्मली हम सिंपल मेथड से फाइंड किए तो भी इसका 10 फैक्टर्स, ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं सर किसी भी नंबर का, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखिए एक नया नंबर को चेक इन किया 540, जेंटलमैन 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुका है, जो भी जैसे हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, अब जस्ट बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या पढ़े हैं कि सर जो भी पावर है जिसमें देखिए पावर कितना है 2, तो देख सकते हैं 2 में 1 ऐड किया गया है, यहाँ देख लीजिए जिसमें 2 में कितना ऐड किया, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड किया है, ठीक है, इंटू फिर देखिए पावर कितना है 3, 3 में भी 1 ऐड किया गया है, और फिर जेंटलमैन इंटू पावर कितना है 1, तो 1 में 1 ऐड किया गया, इसी को मल्टीप्लाई करके लिखे हैं जेंटलमैन 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4 और 1 + 1 = 24, आप देख सकते हैं वही बात यहाँ पर लिखा गया 24 इसका फैक्टर, ठीक है ना, और नॉर्मली भी आप फाइंड करेंगे 24 इसका फैक्टर, ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फटाक से इसको समझ करके नोट कर लीजिए।